की सतनामी समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण को 13% से बढ़ाकर 16% किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में हुई कमी को लेकर सतनामी समाज का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को दुर्ग कलेक्टर पहुंचा। जिलाधीश के नाम ज्ञापन यहां सौंपा गया, जिसे बताया गया कि भारत के संविधान लागू होने के बाद हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण हमेशा 16% ही रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ बनने के 11 वर्ष बाद 4% कम कर दिया गया। वहीं अब उसमें 1% बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया गया, जो कि उचित नहीं है। वहीं इस मामले पर समाज के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी आरक्षण का पालन करने में शासन प्रशासन असफल रहा है। इसी कड़ी में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार से अनुसूचित जाति प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में समाज के प्रतिनिधि सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। सतनामी समाज इसलिए पहुंचा है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में 16% आरक्षण चलते आ रहा था, जिसको काट करके 12% किया गया। उसके बाद में फिर केस लड़ने के बाद में फिर 16% हो गया था, वो फिर उसको 13% कर दिया। हम संवैधानिक रूप से मांग करते हैं कि हमारा जो आरक्षण नियमानुसार है कि 16% होना चाहिए, उसी की मांग के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। और इसलिए सरकार को सोचनी चाहिए कि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा समुदाय सतनामी समाज है, उसकी मांगों को मानना चाहिए और 16% जैसा था उसको वैसा ही पुनः रखना चाहिए, ये हमारी मांग है। सतनामी समाज दुर्ग जिला के प्रबुद्ध जन हमारे साथ सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा आरक्षण, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 12 वर्षों तक हमको 16% आरक्षण मिल रहा था, तत्कालीन भाजपा के सरकार के द्वारा असंवैधानिक ढंग से उसको 12% कर दिया गया। अब उसकी लड़ाई समाज ने लड़ी कोर्ट में जाके, बिलासपुर हाई कोर्ट में, अब उसमें अभी फैसला आया 16% का। तो जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में गंगा जल लेके कहा था कि मैं 16% आरक्षण सतनामी अनुसूचित जाति वर्ग का दूंगा, और उल्टे उसके विपरीत जाके हमारा 3% अनुसूचित जाति वर्ग का कम कर दिया है। इस सभी मांगों को लेकर हम समाज पूरे प्रदेश में आक्रोश है, और इस सब मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब के पास, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आप हमारा आरक्षण 16% अगर वापस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको भी 15 सीट मिली थी, आपको वो भी नहीं मिलेगी। ये हम बताने के लिए आए, नहीं तो हमारा आरक्षण आप 16% तत्काल हमें वापस दो। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम ऋषि टंडन है, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं यही दुर्ग सतनामी समाज। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।